नमस्कार, आज हम बात करेंगे जम्बू के बारे में। जम्बू एक मूत्र संग्रहणीय द्रव्य है, मतलब मूत्र की अति प्रवृत्ति को रोकता है, छर्दी निग्रहण है, वमन के वेग को नष्ट करे और छर्दी के वेग के दोषों को भी शांत करे। पंचपल्लव आम, जम्बू, कपित, बिल्व, बीजपुर, ये द्रव्य पंचपल्लव के अंदर आते हैं। फैमिली नेम मेरेट डेसी, लैटिन नेम साइजिगम क्यूमिन, इंग्लिश नेम इंडियन ब्लैकबेरी। इतिहास और शास्त्रीय परिचय, इट हैज बीन यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिंस एटलीस्ट 1000 BC एंड मेंशनड इन इंडियन एंड मेडिकल टेक्स्ट। जामुनी स्वीट एंड श्योर इन टेस्ट, एग्रीवेट वाग दोष एंड इज ट्रिप्टिक एंड यूज टू पेसिफाई कफ एंड पित्त दोष। प्रियाय फलेंद्रा, इसको फलेंद्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि फलों में इंद्र होते हैं, बरसात के मौसम में इसके फल लगते हैं। महाफला, बहुत ज़्यादा फल लगते हैं इसलिए इसको महाफला बोलते हैं। सुरभि पत्रा, सुगंधित तथा सुंदर पत्र निकलते हैं। महाजम्बू, काफ़ी बड़ा वृक्ष होता है इसलिए इसको महाजम्बू बोलते हैं। और जम्बू स्वरूप, इसका वृक्ष 100 फीट तक ऊँचा और 12 फीट तक मोटा होता है। पत्र 3 से 6 इंच लंबे, 2 से 3 इंच चौड़े, भालाकार, लटवाकार, अंडाकार, ग्रंथि बिंदुकृत, चिकने, चमकीले होते हैं। पुष्प हरिताप, श्वेत, सुगंधित, त्रिधा विभक्त, मतलब 3-3 के गुच्छों में मिलते हैं और मंजरियों में होते हैं। फल 1/2 से 1.5 इंच लंबे, अंधकार, कच्चे में हरित, प्रौढ़ावस्था में रक्त और बैंगनी तथा परिपक्व अवस्था में गाढ़े नीले वर्ण के हो जाते हैं। फल के भीतर 1 से 2 सेंटीमीटर लंबी एक अस्थि होती है। जामुन का प्राप्ति स्थान श्रीलंका, फिलीपीन, वेस्ट इंडीज, फ्लोरिडा, हवाई, मध्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और पाकिस्तान में जामुन मिलता है। केमिकल कंपोजिशन, जैम्बुलिन इज रिच इन कंपाउंड्स कंटेनिंग एंथोसाइनिन, ग्लूकोसाइड्स, एलागिक एसिड। एलागिक एसिड मेनली एक एंटीऑक्सीडेंट है, दैट्स रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल मॉलिक्यूल्स नॉन एज फ्री रेडिकल। आइसोक्यूरेसिटीन, केमेफेरोल, केमेफेरोल इज ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज लाइक कैंसर। आइसोक्यूरेसिटीन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड रेनाल सेल कार्सिनोमा। मेरेसिटीन एंड द सीड्स आर क्लेम टू कंटेन एल्केलॉइड, जैम्बोसिन एंड ग्लाइकोसाइड, जैम्बोलिन और एंटीमेलिन। गुण है लघु और रुक्ष, रस कसाई मधुर और अमल, विपाक कटु, वीर्य शीत। दोष कर्म कफ तथा पित्त का शमन और वात वृद्धक। अन्य कर्म स्तंभन, स्तंभन मतलब कि ब्लीडिंग को रोकता है क्योंकि इसमें कसाई रक्त होता है। त्वक दोष हर, त्वचा के दोषों को हरता है। धा प्रशमन, छर्दी निग्रहण, विष्टम भजनक और रक्त स्तंभन। प्रयोग अग्निमांद्य, कफ पेतिक विकार, सन्निपात ज्वर, रक्त प्रदर और रक्त अतिसार, अजीर्ण, शूल, प्रवाहिका, गृहिणी रोग, उदक में और प्रमेह में देते हैं। मधुमेह को नियंत्रित करता है, आयुर्वेद मधुमेह से लड़ने के लिए जामुन खाने की सलाह देता है। इसका फल के बीच में जैम्बोलिन और जैम्बोसाइन नामक सक्रिय तत्व होते हैं जो रक्त में जारी शर्करा की दर को धीमा कर देते हैं और शरीर में इंसुलिन के स्तर को बढ़ाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण यह शुगर के रोगियों के लिए उपयुक्त है। यह स्टार्च को ऊर्जा में प्रवर्तित करता है और मधुमेह के लक्षणों को कम करता है, जैसे बार बार पेशाब आना। स्वस्थ हृदय के लिए जामुन उच्च मात्रा में पोटेशियम से भरा हुआ है, दिल से संबंधित बीमारियों को दूर रखने में बेहद फायदेमंद है। जामुन का नियमित सेवन धमनियों को शक्त होने से रोकता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज है जिसमें कि आर्टरीज और वेंस में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होने लग जाती है, तो इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी जामुन का प्रयोग बताते हैं। यह उच्च रक्तचाप से विभिन्न लक्षणों को कम करता है, जिससे कि स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट का खतरा कम होता है। 100 ग्राम जामुन में 79 mg पोटेशियम होता है, जो इस रसदार फल को उच्च रक्तचाप वाले आहार के लिए उपयुक्त बनाता है। विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें इससे कई फायदे हैं। विटामिन सी या एब्सोर्बिक एसिड के एंटीऑक्सीडेंट गुण,
घामों को भरने, दांतों, हड्डियों और कार्टिलेज को मजबूत करना है। वजन घटाने में कारगर, कम कैलोरी और उच्च फाइबर होने के कारण जामुन वजन घटाने वाले सभी आहार और व्यंजनों में एक आदर्श फल है। एनीमिया में फायदेमंद। एनीमिया से पीड़ित लोगों को जामुन का सेवन करने की सिफारिश की जाती है। इसकी वजह है इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद आयरन। जामुन में आयरन की प्रचुरता इसे रक्त को शुद्ध करने वाले प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में एक बनाती है। लाल रक्त कोशिकाएं और रक्त में हीमोग्लोबिन की संख्या को बढ़ाते हैं। इसके अलावा यह शरीर को कमजोरी और थकान से उभरने में मदद करता है। पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद। जामुन फाइबर से भरा हुआ होता है जो बीमारियों को रोकता है। यह पाचन में सहायता करता है और कब्ज, बाउल डिसऑर्डर, घबराहट, दस्त और को ठीक करता है। इसके अलावा यौन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसका सेवन टॉनिक रूप में किया जाता है। इसके प्रयोजन फल, फलास्थी, त्वक और पत्र। मात्रा स्वरस 10-20 mg, चूर्ण 3-6 ग्राम। विशिष्ट योग जंबे वादे तेल और पंच पल्लव योग। एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल रिसर्च, इसमें मेडिसिनल यूज ऑफ जामुन बताए गए हैं। इन आयुर्वेदा इट्स सीड बार्क एंड लीव्स आर यूज्ड एज मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर। सीड्स आर यूज्ड एज एंटी डायबिटिक मेडिसिन। फ्रूट्स जामुन विनेगर की फॉर्मेशन होती है दैट आर यूज्ड इन एब्डोमिनल डिजीज लाइक लॉस ऑफ एपिटाइट, एब्डोमिनल पेन, डिसेंट्री, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड समटाइम इनडाइजेशन। जामुन सीड पाउडर इज यूज्ड इन डायरिया, डिसेंट्री एंड डायबिटीज। इन जनरल इट इज यूज्ड इन नोजिया, वोमिटिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। थैंक यू।